केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया, राज्य को बांट दिया गया। इसके साथ ही पूरे राज्य में लगा दी गई तमाम तरह की पाबंदियां। अलगाववादी नेताओं के साथ ही साथ मुख्य धारा में शामिल राजनीतिक दलों के नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। सरकार के फैसले को 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन न तो हिरासत में लिए नेताओं की रिहाई हुई है और न ही पाबंदियों को पूरी तरह से हटाया गया। इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में आज क्या हुआ, देखिए हमारी रिपोर्ट। सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर में अब स्थिति सामान्य हो चुकी है, कर्फ्यू हटा लिया गया है, फोन इंटरनेट स्कूल कॉलेज सब खुल गए हैं, सड़कों पर लोग आ जा रहे हैं। 5 अगस्त के बाद से घाटी में एक भी गोली नहीं चली है, पुलिस की गोली से किसी भी आम नागरिक की जान नहीं गई है। पिछले 3 दशक में ये पहला मौका है जब एक महीने से ज्यादा वक्त में किसी भी तरह की हिंसा की खबर नहीं मिली हो। सरकार के दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जब सब कुछ ठीक है तो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेता हिरासत में क्यों है? यहाँ तक की नाबालिगों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ऐसा ही एक मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसकी सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता से राज्य के हाई कोर्ट में याचिका लगाने को कहा, लेकिन याचिका दायर करने वाली बाल अधिकार कार्यकर्ता इनाक्षी गांगुली की ओर से वरिष्ठ वकील हुसैफा अहमदी ने कहा कि ऐसा करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हाई कोर्ट आम आदमी की पहुंच से दूर है, लोग हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर पा रहे हैं। इसे लेकर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी चौंक गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बेहद गंभीर है, लोग हाई कोर्ट में अपनी अपील नहीं कर पा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट भी मांगी। इसमें चीफ जस्टिस ने पूछा कि हाई कोर्ट अपीलकर्ताओं की पहुंच में है या नहीं। सीजीआई ने आगे कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है, मैं खुद निजी तौर पर फोन पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करूंगा, जरूरत पड़ी तो प्रदेश का दौरा भी करूंगा। लेकिन सीजीआई ने याचिकाकर्ता को चेतावनी भी दी और कहा कि अगर आपका दावा गलत निकला तो इसका परिणाम भी आपको भुगतना होगा। यहां हम आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर दाखिल अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस अब्दुल नजीर की पीठ ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में कश्मीर की पूरी तस्वीर सामने रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थिति सामान्य की जाए और स्कूलों और अस्पतालों को फिर से शुरू किया जाए। इस मामले की अब अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।